सैया जी के छोटका भाई, माई समान होली बड़ भौजाई। जैसे राधा तेरी दीवानी, वैसे तेरा मैं दीवाना। नमस्कार साथियों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं अभी मौजूद हूँ बहुत ही मशहूर चर्चित सिंगर अनमोल तेजा जी के साथ में हम हैं, और इनसे हम छोटा सा इनका एक इंटरव्यू मतलब लेंगे। और अभी बगल में मेरे बैठे हुए हैं, तो चलिए इनसे हम आज बात करते हैं। भोजपुरी के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ गीत संगीत होगा और इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। मोटू मेरे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका, वेलकम है भाई आपका। बोलिए जी। मैं बहुत चर्चित मतलब सिंगर आप ही हैं, और मैं आपका भी वीडियो मतलब देखा हूँ बहुत पहले का। तो क्या भोजपुरी को लेकर के मतलब भोजपुरी में देख रहे हैं कि अभी काफी मतलब इसमें अश्लील गानों को लेकर के मतलब काफी बवाल हो रहा है, और काफी इस पर मुद्दाएं छिड़ी हुई है, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके चैनल से जो मुझे देखेंगे उनको तहे दिल से नमस्कार है। और मैं ये बताऊंगा सर कि अश्लील जैसे आप सोचिएगा वैसे है। देखिए, सबसे बड़ी बात है अश्लील जैसा इंजन चलेगा वैसे बोगी चलेगा सर। और रही बात है मार्केट में, अगर पकौड़ी की बिक्री ज्यादा हो तो हम रसमलाई लेकर बैठेंगे तो हम पे माछी बैठेगी कि नहीं बैठेगी। अच्छा, अभी ये गाना बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है जिसका सिंगर बुलेट राजा जो है वही है। दूसरे किसी के लिए, अब इसके लिए मैं माफी मांगा, किसी के बारे में हम नहीं कमेंट्स कर सकते हैं क्योंकि वो भी मेरे मित्र हैं, वो हमेशा मेरा रिस्पेक्ट किए हैं, छोटे भाई की तरह है। अच्छा, क्या आप भी अश्लील गाना गाते हैं कि नहीं? आप मेरा हिस्ट्री देख लीजिए, एक मैंने गाना गाया था काजल तो बदल गई, मैंने खुद उसको डिलीट करवा दिया। अच्छा, आप इस सिंगिंग लाइन में कब से आप हैं? 4-5 साल से। 4-5 साल में यानी काफी स्ट्रगल आप भी किए हैं। लगभग कितने एल्बम कर चुके हैं अभी तक? एल्बम तो नहीं बट गाना 20-25 से कम नहीं है। हाँ, तो कौन सा गाना भक्ति गाए हुए या सब? देखिए, लोकगीत है, भक्ति है, लोकगीत है, सब 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 तरीका का गाना है। जरा एक लोकगीत ही गाया सुनाइए मैं दर्शकों को। मैंने देखिए लोकगीत नहीं, एक मैंने कृष्ण भजन गाया था। जैसे राधा तेरी दीवानी, वैसे तेरा मैं दीवाना। तेरी मुरली की धुन सुन के, तेरी मुरली की धुन सुन के नाचे है सारा जमाना। जैसे राधा तेरी दीवानी, वैसे तेरा मैं दीवाना। इसके अलावा और भी आपके बहुत सारे गाने होंगे? हाँ, बहुत सारे गाने, वो भी दर्शकों को सुना सकते हैं। कितना गाना, ये भी सबसे बड़ी बात है गाना। आपके गाना और लोकगीत में कोई सुना दीजिए। जो आपको अच्छा लगे इसके गाया हुआ सुना नहीं मतलब स्टेज शो भी करते होंगे तो उसमें आप गाते होंगे ना? हाँ, अन्य लोगों का भी गाना गाते होंगे। एक मेरा गाना था, एक देवर और भौजाई के गाना था, वो एक असली नहीं है, आप सुनिए उसको। एक देवर ने भौजाई को फोन करता है तो बोलती है, सुनी सैया जी के छोटे का भाई, माई समान होली बड़ भौजाई। छोड़ दीना हमरो आचरवा देवर जी, आईना लगा दी कजरवा देवर जी, आईना लगा दी कजरवा देवर जी। अच्छा, अभी तक आप कितना स्टेज शो कर दिए हैं? स्टेज शो सब देखिए, स्टेज शो तो कितना कर दी, नहीं स्टेज तो गिनने नहीं है जी, लगभग मैं हाँ, आप प्रोग्राम देते हो? हाँ, प्रोग्राम देते हैं। अभी देखिए, इतना बड़े तो स्टार नहीं कि मेरे पास स्टेज एकदम गिर ही रहा है, कहीं मौका मिलता है तो वहाँ पे जाते हैं। और अभी आपका मतलब आपको क्या सिंगिंग क्षेत्र में लगा कि आप इसी को मतलब अपना एक लक्ष्य बनाए हैं? इंटरेस्ट है इसी में। अच्छा, पढ़ाई भी? मैं पढ़ाई कहाँ तक की? बीटेक की, इलेक्ट्रॉनिक से बीटेक। अच्छा, बीटेक करके आपको नहीं लगा कि किसी कंपनी में या अन्य जगह जॉब करें सिंगिंग लाइन में? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सब सबका अपना अपना चॉइस होता है क्या करना है। हमको नहीं लगता है कि हम किसी के यहाँ काम कर कर हमें कंफर्टेबल मिलेगा, हम फ्रीडम काम करना चाहते हैं, हम खुद अपने आप पे फ्रीडम रहना चाहते हैं। जो इंसान अगर हम किसी के अंडर में काम करें, हमें हमें ही संतुष्ट ना मिले, उस काम करने से कोई फायदा है?
अच्छा अभी छठ मतलब महापर्व छठ आने वाले, उस पर भी आप गीत गाए होंगे? जी अभी रिलीज नहीं हुआ है इसके लिए हम नहीं सुना सकते हैं, इसे क्षमा। मतलब आपका एल्बम मतलब तैयार हो गया, मतलब हाँ हो गया, उसको अभी रिलीज नहीं किया? हाँ, कल या परसों तक हो जाएगा। अच्छा, तो साथियों ये रहे अनमोल तेजा जी। और सर आपके चैनल से एक और बात बताएंगे कि हम मेरी कंपनी है विनायक टेलीफिल्म, आदरणीय बड़े भैया धर्मेंद्र माथुर जी और हम मेरे पूरे टीम के लोग हैं बैठकर एक नया कंपनी मैंने हम लोग ओपन किया जिसमें नए कलाकार के फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा हम लोग नहीं लेते हैं। जैसे कि हम एक कलाकार हैं, कलाकार का दुख समझते हैं, इस वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यहाँ से आप कोई भी नए कलाकार होंगे आप वहाँ के बनाए। यहाँ मेरा मीरगंज के बगल में लकड़ी बाजार है वहाँ से। तो साथियों जैसा कि आप अभी अनमोल तिवारी से इनका इंटरव्यू हम ले लिए हैं और काफ़ी चर्चित मशहूर सिंगर हैं और एक्टर भी हैं और इनको अभिनेता भी आप लोग बोल सकते हैं और विगत पाँच वर्षों से सिंगिंग लाइन सिंगिंग के क्षेत्र में अपना मतलब समय दे रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आगे भी अपना उसमें समय अच्छा से दे और मतलब एक बड़े लेवल पर मतलब अपना पहचान बनाए। नमस्कार।